तो देखिए यहाँ पे ये मैंने फिगर लिया है, ओल्ड है लेकिन यहाँ से समझ सकते हैं हम। ओके, हाफ सॉर्टिंग और फुल सॉर्टिंग के बारे में है। अब समझिए यहाँ पे कि हाफ सॉर्टिंग क्या है, कि जब फ़ोन के अंदर कोई कंपोनेंट लीक होता है, क्या होता है, लीकेज करने लगता है, तो वो प्रॉब्लम किस में आ जाती है, हाफ सॉर्टिंग में आ जाती है। और जब कंपोनेंट फुल तरीके से सॉर्ट हो जाता है तो फुल सॉर्टिंग आ जाती है। या हाफ सॉर्टिंग में भी कुछ कंपोनेंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस सेक्शन में वो सॉर्टिंग हुई है। अब समझिए यहाँ पे, तो इसकी दो लाइनें होती हैं फ़ोन के अंदर, एक तो होती है प्राइमरी लाइन, क्या होती है, प्राइमरी लाइन। तो प्राइमरी लाइन में हमेशा फुल सॉर्टिंग होती है, और दूसरी होती है सेकेंडरी, सेकेंडरी लाइन। अब सेकेंडरी लाइन में हाफ सॉर्टिंग होती है। ओके, तो अब प्राइमरी के लाइन समझिए, जब भी हम बैटरी कनेक्टर से जो वोल्ट देते हैं, यानी कितना वोल्ट जाता है, 3.7 वोल्टेज जाता है। जो वोल्टेज जहाँ जहाँ पहले जाता है वहाँ पर आपकी हाफ सॉर्टिंग अरे फुल सॉर्टिंग होगी। जैसे वहाँ से सबसे पहले सप्लाई कहाँ पे आई, पावर आईसी पे आई। तो पावर आईसी के आसपास लगे कंपोनेंट या कैपेसिटर या आईसी खराब होने पर आपके फ़ोन में क्या आएगी, फुल सॉर्टिंग आएगी। पावर आईसी के आसपास कंपोनेंट खराब होने पर या आईसी खराब होने पर क्या आएगी, फुल सॉर्टिंग आएगी। इसके बाद पीए, ये नेटवर्क आईसी है, यही सप्लाई आती है, तो इसके अंदर भी 3.7 वोल्ट की सप्लाई आएगी, नहीं 3.7 वोल्ट की, तो ये भी। लाइट सेक्शन अगर आपका है तो कितना यहाँ पे आएगा, 3.7 वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो गई, फुल सॉर्टिंग होगी। आरडीओ आईसी, पहले के फोन में आरडीओ आईसी लगती थी, अब ये आरडीओ आईसी एंड्रॉयड फोन में किसमें, पावर के अंदर ही इनबिल्ट है। किसके अंदर है ये, तो पावर ही के अंदर आ गया। अब बात आती है सेकेंडरी लाइन की, कि भाई सेकेंडरी लाइन जो है वो कहाँ पे काम करती है। पावर आईसी के बाद जो सप्लाई आउट होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइन। जैसे कि आपका सीपीयू, सीपीयू के आसपास कंपोनेंट शॉर्ट या सीपीयू शॉर्ट होने पर फ़ोन के अंदर हाफ सॉर्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। अगर आरएफ आईसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आईसी है, इसमें अगर इसके आसपास कंपोनेंट या ये आईसी खराब होने पर क्या आएगा, हाफ सॉर्टिंग। पुराने फ़ोनों में क्या होता था, फ्लैश आईसी होती थी, और आज की डेट में क्या आ रही है, EMMC आईसी या UFS आईसी। अगर इस आईसी के पास या इस आईसी के ख़राब होने पर फ़ोन के अंदर क्या आएगी, हाफ सॉर्टिंग आएगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हो गई, हाफ सॉर्टिंग और फुल सॉर्टिंग। प्राइमरी लाइन में हमेशा फुल सॉर्टिंग होती है और सेकेंडरी लाइन में हमेशा हाफ सॉर्टिंग होती है। तो जब भी आप ट्रेस करेंगे, जब भी आप ट्रेस करेंगे तो आपको क्या करना है, अगर फुल सॉर्टिंग है तो कहाँ पे ट्रेस करेंगे हम, प्राइमरी लाइन पे। अगर फुल सॉर्टिंग है तो प्राइमरी में करेंगे, सेकेंडरी। अब ये नहीं कि हाफ सॉर्ट है आप चेक कर रहे हो पावर आईसी के पास, चार्जिंग आईसी के पास चेक कर रहे हो, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है भाई। एग्जैक्ट में हमें फॉल्ट को ढूंढना है, तो फॉल्ट हमें ढूंढने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ये एक्चुअल में होता कहाँ से है। तो हमारे पास दो लाइनें होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसी के आधार पर हमें काम करना होता है। ओके, जो तुम्हारा ये बोर्ड था, अभी हमने जो आपके मुबारक आप वाले बोर्ड पे क्या किया था, यहाँ पर क्या लगी थी, एक बूस्ट कॉइल लगी थी, और आप काफ़ी देर से परेशान थे कि सॉर्टिंग कहाँ पे है। ओके, अब बात है कि पहले हम सॉर्टिंग चेक तो करना जाने, ये तो समझ में आ गया कि हमें प्राइमरी लाइन में जो है फुल सॉर्ट होता है, सेकेंडरी में हाफ होता है, लेकिन चेक कैसे करें। अब चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बैटरी जो जैक होता है आपका, बैटरी जैक होता है, इस पर प्लस होता है, बीच वाला पॉइंट BSI होता है, और ये वाला माइनस होता है। ऐसे तुम्हारा जो एंड्रॉयड फ़ोन का जो जैक होगा उसमें कुछ इस तरीके से पॉइंट बने होंगे, इस तरीके से, तो प्लस, ये भी प्लस हो जाए, BSI माइनस माइनस, एंड्रॉयड फ़ोन का जैक इस तरीके से होगा जहाँ पे बैटरी लगती है। अब आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को क्या करना है, कहाँ सेट करेंगे, बजर मोड पे आपने सेट किया। तो सिंपल सी एक चीज़ हम आपको बता दें, रेड प्रॉब, ब्लैक प्रॉब, नीली प्रॉब, काली प्रॉब, टेंशन हो जाएगी आपको। सिंपल सा एक ट्रिक समझिए आप, रेड प्रॉब इधर लगाई, ब्लैक इधर आई, वैल्यू आई, पलट के लगाई फिर वैल्यू आई,
यानी कि दोनों तरफ से रीडिंग आने पर मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग होती है, दोनों तरफ से वैल्यू आए या रीडिंग आए तो क्या होती है, हाफ शॉर्ट होता है फोन। ओके, अब प्रॉब लगाई अपने बजर मोड से इधर लगाई, फिर पलट के लगाई, बीप की आवाज आए, क्या है, हाँ दोनों तरफ अगर बीप कर रहा है, बीप की आवाज आ रही तो क्या है, ये फुल शॉर्ट है। अब ओके कंडीशन कब होती है, एक तरफ से वैल्यू आए, क्या है, एक तरफ से वैल्यू आए 300 से 600 और दूसरी तरफ ना आए तो फोन आप में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इस तरीके से आप जो है चेक करेंगे। जेके मुबारक अली, समझ में आई बात, इस तरीके से आपने चेक कर लिया। चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे फिर कीपैड हो, चाहे इसमें जैक लगा हो, चाहे ये लगो, हमें BSI से कोई लेना देना नहीं है। तो चेक कर लिया, अब आपका फ़ोन फुल शॉर्ट है जो आपने हमें मदरबोर्ड दिया था। ओके, तो मदरबोर्ड जो आपने दिया था वो फुल शॉर्ट था, तो हमने क्या किया, पावर IC जो है, ये पावर IC के पास सारे कंपोनेंट बीप कर रहे थे, हमने क्या किया, वहाँ से एक कॉइल को रिमूव किया। ओके, क्वाइल को रिमूव किया। अब DC मशीन को हम कहाँ सेट करेंगे, जो हमारी DC मशीन है, DC मशीन को हम सेट करेंगे 1 से लेके 1.5 वोल्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए। अगर आप 3 वोल्ट दोगे या 3.7 वोल्ट दोगे तो आप फ़ोन के अंदर से शॉर्टिंग नहीं निकाल पाओगे, चाहे वो फिर फुल शॉर्टिंग हो चाहे फिर हाफ शॉर्टिंग हो। ये है फुल शॉर्टिंग की वैल्यू, कितनी है फुल शॉर्टिंग की, हम बड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको DC मशीन से अगर आपको फुल शॉर्टिंग अगर निकालनी है फुल, तो आपको इसको सेट करना पड़ेगा 1 से लेके 1.5 वोल्ट और 3 एम्पियर पे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, अगर आपके मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग है, क्या है, हाफ शॉर्टिंग है, तो आपको सेट करना पड़ेगा 3.7 से 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर पे। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इस पे आपको DC मशीन को सेट करना है। अब सेट करने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब इसमें एक माइनस है, हमें पता नहीं चला, हमने एक प्रॉब यहाँ पे लगाई, कौन वाली, प्लस वाली, क्या लगाई, प्लस वाली, तो DC मशीन पे एम्पियर की रीडिंग बढ़ने लगेगी। इस पे ना बढ़े तो इस पे आ जाओ, क्योंकि दोनों पॉइंट बीप कर रहे हैं, बीप करने के साथ वैल्यू अगर मिल रही है आपको, अगर बीप के साथ जीरो वैल्यू मिल रही है तो ये वाला माइनस है। इस पे अगर जीरो बीप के साथ में आपको 1, 2, 3 या कुछ ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है तो ये वाला प्लस है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फुल, इसमें भी जीरो आ रहा था, इसमें भी जीरो आ रहा था, लेकिन एक पॉइंट तो उसमें प्लस था और एक क्या था, माइनस था पॉइंट, लेकिन हमने इस पे लगाया तो हमारे एम्पियर और वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो गया और एम्पियर फुल हो गया, तो हमने दूसरे वाले पॉइंट पे लगाया, अब माइनस वाला हमने कहीं भी मदरबोर्ड में टच कर दिया, तो ये IC क्या होने लगी, जब हीट होने लगी तो एग्जैक्टली जो भी कंपोनेंट खराब होगा, एक्चुअली IC ही खराब होगी, IC खराब है या जो भी कंपोनेंट खराब है वो क्या करेगा, हीट करेगा, और हम उसे आसान तरीके से फाइंड कर लेंगे कि भाई ये ओवर हीट हो रहा है और हमें इसको चेंज करना है और एम्पियर लेगा। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए ये पावर IC है, ओके, और पावर IC के पास जो है मल्टीमीटर, इसे अपना चेक करने के बाद हम जैसे यहाँ पे रेड प्रॉप ग्राउंड पे लगाएंगे, चेक करेंगे तो सारे भी जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हाँ मल्टीमीटर से हम चेक कर रहे हैं, तो ये सब के सब क्या हो रहे हैं, बीप हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, ये वाले कंपोनेंट बीप कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने कॉइल को जो है रिमूव किया हुआ है इस जगह से, ये भी बीप कर रहा है, ओके, और ये वाला भी पॉइंट बीप कर रहा है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉइल हमने रिमूव किया है तो DC मशीन को पहले हम लोग सेट करेंगे 1 वोल्ट पे,
1 volt 3 ampere, ये हमने सेट किया 1 volt 3 ampere पे। और इसके बाद सेट करने के बाद जो डीसी मशीन के वायर होंगे, वायर से क्या करेंगे हम, रेड वाली चिमटी से ऐसे पकड़ लेंगे इस तरीके से, और ब्लैक वाली जो प्रॉब होगी उसको हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे माइनस के कहीं से भी इस तरह से, ओके एक्जैक्टली। तो अब हमने बोर्ड पे क्या किया, ये दो पॉइंट है, माइनस हमने कहीं से भी चिपका दिया, और यहाँ से अभी हम लोग इस पर पॉइंट रखेंगे, फिर हम चेक करेंगे हमारी जो आईसी है हीट करती है कि नहीं करती है, और एम्पियर की रीडिंग बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो इसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं और ये हमारा चालू हो गया। हमने पहले इसको 1 volt पे सेट किया है डीसी मशीन को, और फिर हमने यहाँ पे इसके पॉइंट पे लगाया। तो देखिए आपने एम्पियर की रीडिंग क्या हो गई, फुल हो गई और वोल्टेज घट गए। तो ये हमारा माइनस पॉइंट है, अब इसके इस पर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा वही रहा और एम्पियर की रीडिंग बढ़ने लगी, यानी कि कनेक्ट करने पर शॉर्टिंग आ रही है। एक सेकेंड फिर से हम दिखा देते हैं, यहाँ पे लगाए तो हमारा एम्पियर का रीडिंग जीरो हो गया, इस जगह पे हमारे लगाने पर एम्पियर की रीडिंग कम हो गई, अरे फुल हो गई और वोल्टेज कम हो गया, और जबकि इस वाले पॉइंट पे लगाने पर वोल्टेज वही रहा और एम्पियर की रीडिंग बढ़ गई। अब जो भी आईसी हीट करेगी या कंपोनेंट हीट करेगा वो कंपोनेंट ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर 1 ampere के ऊपर चल रही है और 1 volt है, ओके। तो आइए तुमको दिखाते हैं, आइए आइए चेक करिए आके क्या हीट हो रही कि नहीं हो रही। रात में सोए नहीं हो क्या, बताते रहे होगा रात भर, हो रही है कितनी हो रही है, चाय पक जाएगी नहीं, अंडे आमलेट कुछ नहीं, मतलब हीट हो रही। मनीष तुम चेक करो भाई, देखो हो रही नहीं, हो रही है, हो रही है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट मोबाइल को चेक कर सकते हो। ऐसे अगर कभी हाफ शॉर्टिंग है तो हाफ शॉर्टिंग में भी वही सिस्टम करना है आपको, कि क्या कि जो भी कंपोनेंट आपको शॉर्टिंग दिखाए उस कंपोनेंट को आप बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद उसके नीचे के जो पॉइंट दिए गए उस पर आप 3 volt की सप्लाई दे दो। फुल शॉर्टिंग में क्या रहेगा, 1 से लेके 1.5 volt की सप्लाई देनी, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप फुल शॉर्टिंग को जो है निकालने के लिए ये वोल्टेज जो है आप लगाओगे तो फिर काम नहीं बनेगा। अब इसकी आप मुबारक लीजिए, बहुत परेशान हो रहे थे, लीजिए।